लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। पिता, मिन्नते करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय सुंदर से रात के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं, पिता आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों के लिए, हर एक घटी और कमी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और निवेदन करते हैं। पिता, आज इनके जीवन में ज्योति और प्रकाश देंगे पिता, ताकि उस ज्योति के कारण पिता परमेश्वर ये चल सकें और रह सकें अपने घर परिवार के साथ। आज मैं मिन्नते करता हूँ, दुआ करता हूँ पिता कि आप हमें संभालेंगे। हर एक चीज़ों को देने वाले, हर एक चीज़ को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहन को संभालने वाले पिता आप हैं। उनकी देख रेख करने वाले आप हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। उनकी हर एक जरूरतों की चीज़ों को देने वाले पिता आप हैं। हर एक मसीह भाई बहन की मनोकामनाओं को, मनोरथों को पूरा करने वाले आप हैं पिता। सब कुछ आपके हाथ में है पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आज धैर्य रखना, भरोसा रखना। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप एकांत में बैठ करके प्रेयर करें, प्रार्थना करें और इन वचनों को ध्यान से सुने, ताकि आप प्रभु के जीवन से कुछ सीख सकें जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ करके हम लोगों के जीवन में किया। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कितनी बड़ी परीक्षा होती है। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन की परीक्षा हो सकती है, तो क्या हमारे जीवन की नहीं हो सकती? क्या हमारे जीवन में दुख और तकलीफें नहीं आ सकती? जो परमेश्वर, जिसके हाथों में सब कुछ है, वो पानी के लिए तड़प सकता है, वो भूख के लिए तड़प सकता है, तो मनुष्य क्या चीज है? इस बात को गहराई से सोचना। जो परमेश्वर, जिसके हाथों में सब कुछ है, ये सृष्टि, ये संसार, ये धरती, आकाश और पृथ्वी, वो स्वर्ग, सब कुछ उसके हाथों में है। जो वो भूख के लिए तड़प सकता है, वो पानी के लिए तड़प सकता है, प्यास के मारे, तो इंसान क्या चीज है? इसीलिए आज इन वचनों को ध्यान से सुनना, ताकि रात्रि के समय आज इतनी अच्छी आपको नींद आएगी। इन वचनों को आप जब सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा इन वचनों को सुनने के बाद। क्योंकि आपने कई बार बाइबल के बहुत सारे वचन सुने हैं और इस वचन को भी सुना है जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। क्योंकि कभी भी कोई वचन परमेश्वर का हमेशा काम करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम वही वचन को सुन रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों को लेकर के समझाओ, तो मैं उसी वचन को लेकर के आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। परमेश्वर हमें समझाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कहते हैं कि ना, जब तुम बोलते हो तो तुम नहीं बोलते हो, मेरा पवित्र आत्मा रह करके तुम में बोलता है, तभी मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा पाता हूँ, आपको बातें बता पाता हूँ और वचन को लेकर के मैं आपके सामने रख पाता हूँ, मैं प्रेजेंट कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बहुत अच्छा बेहतर करे। आपके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियाँ आज जाने वाली हैं, चाहे वो बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, चाहे किसी प्रकार की आपकी खांसी हो, आपके पास पीलिया हो गई है, आपके बॉडी में सूजन है, किसी भी बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में, पैरों में है, गर्दन पे है, हाथों में है, किसी भी हिस्से पर क्यों ना हो, आज वो दूर होने वाला है। आज इन वचनों को आप ध्यान से सुनना, आपके अंदर इतना विश्वास आएगा, इतनी मजबूत हो जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग आपका विश्वास हो जाएगा जब आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन पर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिसने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि वो जानता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबसे प्रेम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि वही यहोवा परमेश्वर है, वो प्रिय है, वो हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर अपना हाथ रखता है, वो हर एक बहनों के ऊपर, हर एक भाइयों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखता है, उसको आशीष देता है, उसके हृदय में विश्वास को बोता है, उसके हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को वो दूर करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से, क्लेश, संकट, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, शैतानी प्रॉब्लम, शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने वाला है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, तो हर एक शैतान, हर वो एक बंधन, हर वो एक श्राप टूटेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को जलाएगा, हर एक प्रकार की बीमारियों को झुलसाएगा। तो आइए
पहले हम वचन देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मत्ती के पुस्तक में लिखी गई हैं, 4 में लिखा है। आप इनको, इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आज उसी तरीके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यानी परमेश्वर का, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। आखिर ये बातें क्यों? शैतान परमेश्वर की परीक्षा क्यों लेगा? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आए थे। इस बात को याद रखना, वो हमें शिक्षा देने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, वो हमें ज्ञान देने के लिए इस पृथ्वी पर आए कि आपके जीवन में ऐसे होगा, आपके जीवन में इतने दुख आएंगे, आपको शैतान किस तरीके से भरमाने की कोशिश करेगा। क्या शैतान कभी परमेश्वर से सामना कर सकता है, कभी मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। वो कभी सपने में नहीं सोचता है। वो शैतान कभी, इंसान तो एक बार सोच लेता है कि मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, मैं परमेश्वर से लड़ जाऊंगा, लेकिन शैतान के पास इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके, वो परमेश्वर के सामने जा करके। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर ये घटना घटती है तो ये इसलिए घटती है कि मानव जाति इस संसार में उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए और उनको समझाने के लिए ये जीवन में घटना घटती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर के रूप में नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर किसी को दिखते नहीं हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, जो आत्मा कहता है। परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है, इस बात को याद रखना। क्योंकि परमेश्वर एक इंसान के रूप में आए, एक मानव जाति इंसान के रूप में आए इस संसार में, इस सृष्टि में, तभी वो शैतान उसकी परीक्षा लेता है प्रभु यीशु मसीह की। तो इसीलिए भरोसा रखना, उसके नाम पे भरोसा रखना, क्योंकि वो पवित्र है, वो धन्य है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके नाम में सब कुछ है, यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु मसीह के नाम से लेकर के आज आप डांटते हैं तो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस नाम में इतनी सामर्थ्य है, उस नाम में इतनी ताकत है, उस नाम में इतनी पावर है, उसके नाम लेते ही शैतान दूर भाग जाता है। तो क्यों नहीं आज इन वचनों को आप सुनेंगे, और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस रात के समय अगर आपने इस वचन को सुना तो आपके जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके घर में, आपके परिवार में। पैसे तो आपके पास बहुत हैं, दौलत भी है, शौहरत भी है, नाम भी है, लेकिन शांति नहीं है। और जिनके पास दौलत नहीं है, शौहरत नहीं है, नाम नहीं है, उनके पास भी परमेश्वर शांति देगा। उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनना, जब वो शैतान इबलीस प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है तो क्या होता है, वहां पे क्या घटना घटती है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर के उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये जो पत्थर है रोटियां बन जाए। आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मैं जानता हूं कि आप भली भांति अच्छी तरीके से इन वचनों को बहुत अच्छी बारीकी से समझते होंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 40 दिन और 40 रात बाइबल में कई बार आए हुए हैं। बाइबल की आयतों को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, पुराने नियम को और नए नियम को मिला करके, तो बहुत सारी घटना घटती है। 40 दिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मानव जाति इंसान के रूप में थे, और परमेश्वर की योजना थी कि मैं अपने बेटे को भेजूं और इस संसार के लोगों को बचाऊं और इस रूप में भेजूं। एक वो स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकता था और शैतान को नाश कर सकता था और सबकी बीमारियों को ठीक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने आपको आजादी दी है। आपको अच्छाई और बुराई का अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप एक रोबोट की तरीके रहेंगे।
जिस तरीके से परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया, जिस तरीके आज हमारे देश में संविधान है, हमारे पास फ्रीडम है, ये अधिकार है कि हम कहीं भी जा करके सांस ले सकते हैं और कहीं भी जा करके अपने मन का काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसी तरीके अगर यही पे परमेश्वर के जीवन की जो घटना हमारे जीवन में घटती है, यानी हम जब देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं, आदम और हव्वा के जीवन से आप सीख सकते हैं। अगर परमेश्वर ने उस भले और बुरे ज्ञान का पेड़ को वृक्ष को ना लगाया होता, तुम्हें कुछ ना पता होता कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। अगर उसे चुनने का अधिकार आदम और हव्वा को ना होता तो एक रोबोट के तरीके होते जो उसके अंदर फीड कर दिया जाता, वही उसके अंदर होता। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अच्छे और भले और बुरे का इनके पास ज्ञान हो, ये समझें, क्योंकि शैतान उससे इंसानों से पहले आ चुका था इस पृथ्वी पर। क्योंकि वो शैतान की और परमेश्वर के बीच में यानी अच्छाई की और बुराई की पहचान कर सके, उसकी देख रेख कर सके, उसको समझ सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर आपके आपके पास कोई है, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, अगर उनको अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो जी सकेंगे इस पृथ्वी पर, इस संसार में रह सकेंगे? नहीं, कभी नहीं रह सकते। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको पूरा फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता है। आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा करिए, आप बुरा करना चाहते हैं तो बुरा करिए। आपको दोनों तरीके से परमेश्वर नहीं मना कर सकता, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, उसने ये जरूर ठहराया है। जिस तरीके से आदम और हव्वा परमेश्वर की बातों को ना मान करके उस शैतान के बहकावे में आते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं, यानी न कुछ खाया न कुछ पिया, 40 दिन 40 रात रहते हैं, तब उसे भूख लगती है। तब परखने वाले ने वो शैतान आकर के कहता है, ये पत्थर जो है इसे कहते रोटियां बन जाए। क्यों शैतान ऐसा कहता है? क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बेटा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया, इसको जरूर सुनना। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आपके जीवन में घटना घट सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी शैतान प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी बीमारियां लाएगा, बहुत सारे संकट लाएगा, लेकिन आपको लड़ना है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया और लड़ा उस शैतान से। 40 दिन निराहार रहे, कुछ न खाया न कुछ पिया, उसको भूख लगती, उसको प्यास लगती है। जब वो परमेश्वर को भूख लग सकती है, यानी एक मानव रूप में आकर के, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती आकाश पृथ्वी का सृजनहार, वो भूख से तड़प सकता है एक इंसान के रूप में आकर के। ठीक मानव की हैसियत क्या है और ये मानव जो तुच्छ प्राणी है इसके अंदर क्या है? क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा भरा था, उसके अंदर तो पवित्र आत्मा से अभिषेकित था, पिता ने उसे खुद भेजा था इस पृथ्वी पर। क्या उसके पिता मदद नहीं कर सकते थे? मदद करते, लेकिन लास्ट में परमेश्वर मदद भी करते हैं। उसके स्वर्गदूत आते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको संभालते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मानव जो इंसान है उसके जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर घटेंगी, वो शैतान जरूर आप पे अटैक करेगा, जरूर वो आप पर आकर के वो अटैक करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चाहते थे कि ये परमेश्वर की बातों से और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से घटनाओं से हमें ये सीख मिले कि शैतान हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगर हमें ये बातें नहीं पता होंगी तो वो आपको परेशान कर सकता है, वो आपको मजबूर कर देगा। जिस तरीके से वो कहता है कि पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाएं, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया, पता है, लिखा है, केवल मनुष्य रोटी से ही नहीं, वो हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है।
जीवित रहेगा। इस बात को याद रखना, आपके जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारे क्लेश आएंगे, बहुत सारी दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स फैमिली में, परिवार में, माता पिता भाई बहन में झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे आपके जीवन में, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, आपको 20-25 मिनट आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर 20-25 मिनट आप डेली निकालते हैं सुबह शाम, तो परमेश्वर आपके बेटे, आपके परिवार को और आपकी बेटियों को इतना सुरक्षित रखेगा, इतना मजबूत रखेगा कि आपको 20-25 मिनट देने से परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीज़ों में, हर एक बिजनेस में, जॉब में, नौकरी में, जो भी आप करते हैं, उसको परमेश्वर एक एक पल, एक एक सेकंड परमेश्वर संभालेगा। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन, 24 घंटे परमेश्वर, एक एक सेकंड परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, आपके बेटे और बेटियों को और आपको, आपके घर, जहां तक आपकी नज़र जाएगी परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ताकत देगा। इतना आपको विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। तो इसीलिए अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे चिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इनके बेटे और बेटियां को आज इनको छू पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को देख पिता परमेश्वर, चाहे ये बीमारी से हो, दुख में है, संकट में है, क्लेश में है, मुसीबत में, बहुत सारी प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह के नाम से आज इनको शत्रु परेशान करते हैं पिता, ये प्रार्थना करते हैं पिता, आज इनकी प्रार्थना को आप सुनेंगे मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, आज इस प्रार्थना को रिसीव करना परमेश्वर, आपको छूने जा रहा, आपको ब्लेस करने जा रहा, आपके जीवन की हर एक धटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, शैतान जो चतुर शैतान है वो आपको पैसा परेशान करता, आपके घर के, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपका जॉब नहीं लगती है, आप परेशान हो चुके, आप हताश हो चुके, इस प्रार्थना को सुनिए, रिसीव करिए परमेश्वर आपके जीवन बरकत देने जा रहा, आपके जीवन की हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा, आज आपको ब्लेस करने जा रहा, जिनके पैसे रुके पड़े हैं आज उनके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं, जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज उनको उनके पास मैसेज आने वाला है कि उनका पैसा आ चुका है, रिसीव करिए आज इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आज जिनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, इस मसीह के नाम से आज अपनी प्रार्थना को लेकर के अपने सामने रखिए अपनी बातों को, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पिता परमेश्वर छू पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर कठिनाइयाँ, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार की समस्या इनके लाइफ से, इनके जीवन से जाए मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को छू पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आपने सभी को रचा, सभी को बनाया है पिता परमेश्वर, ये भी आपके बेटे और बेटियां हैं, ये इस समय परेशान है, इस समय हताश है, निराश हो चुके हैं पिता, इनके जीवन को देख रेख कर पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, आज इनके बेटी और बेटियों को छू पिता परमेश्वर, इनके बच्चे पढ़ना चाहते लिखना चाहते पिता परमेश्वर, पूरी संगति हो चुकी है मसीह के नाम से, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे इस मसीह के नाम से, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता पिता परमेश्वर, इनके बेटे को ब्लेस कर, इनके बेटे को आशीष कर, अपने बेटे को पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे बेटे के जीवन की हर एक प्रॉब्लम, हर प्रकार की कठिनाइयाँ, हर प्रकार की बुरी साया, हर प्रकार की जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा, जो भी इस मसीह के नाम से, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के श्राप आज टूटने वाले इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार का टोना टोटका जो भी इस मसीह के नाम से जाने वाला इस मसीह के नाम से प्लेस करेगा आपको परेशर, आशीष करेगा, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए इस मसीह के नाम से, और कहें इस मसीह के नाम से कि बीमार भी नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रख के अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, अगर यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके अपनी प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए कि मेरे पास ये बीमारी है, मेरे पास ये दुख है, ये तकलीफ है, यहाँ पे दर्द होता है सीने में, पैरों में, हाथों में, जोड़ों में, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों ना हो, आपके
आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना आ गई यीशु मसीह के नाम से, आज वो ब्लेस करेगा परमेश्वर, आज उसको छुएगा यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए पिता यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई बुरी लत लग चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उसके सिर पर हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रख करके कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं आज्ञा देता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का साया, किसी प्रकार का अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, अंधकार का बल क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो उजाला में, आज आपकी बेटी के जीवन में सूर्य उदय होने जा रहा है, आज प्रकाश आपके बेटे के, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, आज उनके लिए, उनके घर के लिए, उन पुलिसकर्मियों के लिए जो इस समय परेशान है, हताश है, निराश हो चुके यीशु मसीह के नाम से, उन डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनकी जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, सबसे प्रेम करने वाले आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर। अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आज छू पिता परमेश्वर, आज उन बहनों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर जो अपने घर से परेशान है, अपने पति पत्नी से परेशान है पिता परमेश्वर, एक दूसरे में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, आज छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर प्रकार की अंधकार की शक्ति टूटे पिता परमेश्वर, अंधकार का बल जो बंधन यीशु मसीह के नाम से बांधा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार की श्राप, हर प्रकार के कर्जे, दुख जो आप इस समय दबे हुए हैं इस मसीह के नाम से, इन सब चीज़ों से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपना मन जो आपका मन भटक रहा है इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत मसीह भाई बहनों का मन शैतान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है, केवल इस तरफ सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। आपके दिल में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको करेगा, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन के हर प्रकार के रास्ते जो हैं खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार का बंधन टूटने जा रहा है, हर प्रकार के श्राप जो आपके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आज परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर छुपिता परमेश्वर छुपिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त अपने बेटे के जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने के लिए यीशु मसीह के नाम से, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बिजनेस में अगर अच्छा करना चाहते यीशु मसीह के नाम से तो आज्ञा दीजिए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, अंधकार की शक्ति, अनेक प्रकार के जो बल है, अंधकार की जो ताकत है, आज वो सब कुछ दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से, छुपिता परमेश्वर, छुपिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। पिता आपने छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ के चले जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके हृदय में विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार के नकारात्मक और शक को दूर करने जा रहा है, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग को परमेश्वर आज आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार के विचार को, थॉट्स को, शक को, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, तमाम प्रकार के क्लेश आपके जीवन में है, संकट उन्हें छोड़ के आज चलने वाला है इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपको छोड़ के जाने वाली इस मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की मसीह के नाम से चला दीजिए, इस मसीह के नाम से चला दीजिए, इस मसीह के नाम से छुपिता परमेश्वर, छुपिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, अपने मुंह से आज्ञा दीजिए, बोलिए, बोलिए इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आप बैठे हैं अपने बेटे के साथ, अपने बेटियों के साथ, पति और पत्नी अकेले में एकांत बैठे हैं, इस मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, अपनी हर प्रकार की बीमारियों को, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम
क्यों ना हो, आपसे जीवन से, आपसे लाइफ से, जीवन से, स्टाइल से, कुछ भी हो, इस मसीह के नाम से आपके बिजनेस से, जॉब से, घर से, परिवार से, आप पड़ोसी से, आसपास के एरिया से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। जो आप इस समय जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराशा आपके हाथ में लग रही इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इस मसीह के नाम से वो जो चतुर शैतान है वो आपको बहकाने की कोशिश करता है, वो आपको परेशान करता है, आपके बिजनेस को ठप कर देता है, आपके जॉब को परेशान प्रॉब्लम्स लाता है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही, आप परेशान हो चुके, आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी, आपके घर में बीमारी आ चुकी, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आपको चलाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। चला दीजिए इस मसीह के नाम से, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उपस्थित हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार की महामारी, अनेक प्रकार की समस्या, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार आज दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द आज उनके तमाम प्रकार के जो दर्द है आपके जीवन में, आपके पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कैंसर हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, रसौली हो, किसी प्रकार की आपकी पथरी आपके पेट में आ चुकी है, खून की कमी, ब्लड की कमी आपके जीवन में आ चुकी है, आपकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, सूजन आ चुकी, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीट, पिंपल्स, किसी भी स्किन प्रॉब्लम्स, दमक, मुहासा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, जो भी बीमारी इस मसीह के नाम से संसार में है, इस मसीह के नाम से सभी बीमारियों को लेकर के हम दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते हैं इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको टीबी की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, नींद नहीं आपको आती, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है इस मसीह के नाम से। आज वो चाहे खाली खांसी, आपको निमोनिया, आपको घबराहट होती है, आपको उलझन होती है आपके घर में, परिवार में, आप किसी से उलझन हुए हैं, आपको घबराहट बहुत महसूस होती है, आज शांत होगा, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। अगर ये प्रार्थना आपके कानों तक पहुँच रही है तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार के उलझन को आज ठीक करने जा रहा है। आपके हृदय रोग को, फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपके मानसिक फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ चुकी है, तमाम प्रकार के दर्द से आप उनको दूर करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के हर दर्द को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के विचार को, नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार के जो थॉट्स हैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर, जो यंग लोग हैं पिता परमेश्वर, जो जवान लोग, जो जवान भाई और बहन है पिता परमेश्वर, जो जवान मसीह भाई बहन है पिता परमेश्वर, जिनके बेटे और बेटियाँ हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर करेगा परमेश्वर। आज आपको सिर्फ बोलना है इस मसीह के नाम से, आज्ञा देना है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति आज दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, आप कर्जे से दबे हुए हैं, दुख में हैं, आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी और बेटी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही इस मसीह के नाम से, आज हम दुआ करते पिता आपकी प्रार्थना को परमेश्वर छू आज सुनने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के इस पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां दूर इस मसीह के नाम से, दूर हो जाए कुमार सिंह इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, चंगा कर इस मसीह के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन में घटी और कमी जो भी इस मसीह के नाम से, वो कर्जे से दबे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं रात दिन, प्रार्थना करते हैं, वो दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, संकट में, क्लेश में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम से फंस चुके हैं पिता परमेश्वर, और जिनके जीवन में दुख नहीं है, जिनके जीवन में परेशानी नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद करें, आपके बेटे को जीवन देने जा रहा है, आपकी बेटियों को छूने जा रहा है, उनको बहुत ऊंचाइयों
तक ले जाएगा आपके बेटे और बेटियों को, आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।